अस्सलाम वालेकुम आदाब, पुकार न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, जिला डोडा के मुख्तलिफ स्कूलों में आओ स्कूल चलें की मुहिम जोशो खरोश से अमल में लाई जा रही है। इतलात के मुताबिक इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। इसी हवाले से आज जून गुंदना में भी 3 क्लस्टर्स के स्कूल, जिनमें गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मासरी, गवर्नमेंट हाई स्कूल आबली मासरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदना, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लुडना, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कमसाल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ब्रह्मनपुरा, गर्ल्स मिडिल स्कूल गुंदना, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल दीवाल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुजरबस्ती, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बाशी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शेखपुरा ने भी इस मुहिम को चलाने के लिए मुहिम में शिरकत की। ये मुहिम क्लस्टर्स हेड मोहम्मद शफी शान और मुकेश शर्मा के साथ साथ जोनल एजुकेशन ऑफिसर गुंदना मोहम्मद शफी रिशु की कयादत में अमल में लाई गई। उधर बलेसा में भी कई स्कूलों में इस मुहिम को बड़े पैमाने पर हतमी शक्ल दे दी गई। पुकार न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद तफसील जानने के लिए तारिक नसीम की ये रिपोर्ट। आज का मकसद जो है वो यह है कि हम सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाएं, क्योंकि सरकार जो है बच्चों की तालीम के लिए काफ़ी पैसा जो है वह खर्च करती है, उनकी किताबों के लिए, बच्चों की वर्दी के लिए, बच्चों को मुख्तलिफ किस्म का स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है, बच्चों को दिन का खाना जो है वो स्कूलों में दिया जाता है। तो इस मकसद के तहत हम ये चाहते हैं कि पूरे गाँव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल जो हैं, वो हमारे सरकारी स्कूलों में दाखिला लें, ताकि उनकी तालीम जो है उसका पूरा बंदोबस्त जो है वो हमारे पास है, और हमारे मुल्क में जो भी इलिटरेसी जो है, अनपढ़ता जो है, उस अनपढ़ता को ख़त्म किया जाए और हमारा हर बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा हो, ताकि वो देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में अपना किरदार जो है वक्त पर पूरा कर सके। थैंक यू।